मैं ये कह रहा था कि 10-5 दिन और डट जाता। ना भाई ना ना ना, इब नहीं रुकूंगा। क्यों? टाबरा की याद सतावे है। अच्छा भाभी क्या? और तेरी भाभी ना, हाँ वह सांझ ने जब तक मैं घर ना जाऊं रोटी नहीं खाती। अच्छा, और आज हाँ कम से कम 4-5 दिन हो लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 15 दिन हो गए, 4-5 नहीं 15 दिन, पता नहीं चला। हाँ हाँ। आदमी दुखी हो तो एक एक मिनट का बता रहे। बिल्कुल, और भाई तेरे दोरे आके तो तेरे राजपाट में और तने मौज कर दी। ई भाई मैं इजाजत चाहूं। अच्छा, तेरी भाभी की याद आवे बालक तो राह देखते। एक बात बता, ये हाँ मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए जरूर दिया होगा। अरे भाई ये अरे मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। ना 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 ना, मेरे पे क्या है? ये चा और इतनी बढ़िया खील और पतासे, और भाई इन्हें तो मैं खाऊंगा। ना 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 ना, भाई इन्हें तो मैं खाऊंगा। मत खा भाई, इन्हें तो देख मैं अरे मकर नाश बिटे इन बालकों के लिए भी छोड़ दे कुछ। ओहो, मैं न्यू कहूं रुक, ये तने लार की लार लगा रखी। ये प्रेम का उपहार है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ हाँ, नहीं। मैं सब समझ रही हूँ कि उपहार है। मैं पहले नाटू था, देख ले इब धनी बीर का जूत बच जाएगा। हाँ, आखिर ये कौन से हैं? ये हम भी तो कहें, ये टाटा 460 ट्रक के ट्रक कहाँ लदे हुए जा रहे हैं? ये मेरा यार है दोस्त। देख तने एक मुट्ठी फाकी। हाँ। मैं कुछ नहीं बोली। हाँ। अच्छा, दूसरी मुट्ठी फाकी। हुँ? मैं कुछ नहीं बोली। अच्छा, और अब तीसरी और फाकन दे। हाँ, तीनों ही लोग देवेगा। मैं सब समझू हूँ तने। अच्छा, जितना तू ऊपर के है ना। हाँ। उतना ही तड़े के भी है। अच्छा, और तेरी रोम रोम में रग रग में घुस रही हूँ। अच्छा, मैं तने सब जानू। यानी कि मुझे एक मुट्ठी फाकी तने एक लोग दे दिया। हाँ। दूसरी मुट्ठी फाकी तने दो लोग दे दिए। अच्छा, एक लोग में महामर मारे बाले को भी रखने हैं। दे देखे ये सब छोटा बाला, देख भाई कृष्ण। हाँ भाई, ये तुम्हारी घर की तकरार, ये तुम्हारी घर की तकरार होती रहेगी। अभी क्यों जावे अभी डट? अरे धक्के मार के भगा दे, एक ट्रक और ले ले। ना 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 ना, ऐसा ना होने का। धक्के मार के भगाएगी? ना ना, कोई समस्या ना हो। तू पानी तो तेरे भी मरे, तू भी भूख से लिकड़े इसके आगे भाई कृष्ण। ना ना, ऐसी बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तू आराम से बैठ। इन्हें समझा, इसका जेठ लागू मैं। हाँ ना, सिर पे पल्ला धर लेगी। हाँ समझा रहा हूँ, सिर पे तो पल्ला धर लूंगी, सिर पे पल्ले की। तो मैं प्रेमी दोस्तों, भगवान कृष्ण में किसी को दोष नहीं दिखाई दिए, लेकिन एक रुक्मण ऐसी थी कि उसको बहुत से दोष दिखाई देने लगे। जब से वो बच्चा था और जब द्वारकापुरी में आया है, द्वारकाधीश, और वहां द्वारकापुरी बसाई है, जब से अब तक के बहुत से कारनामे उसके ऐसे बताती है कि तेरे में बहुत दोष हैं, तुझे मेरे में दोष नजर आते हैं ना, दोष ही दोष भरे पड़े हैं और तेरे में है कि? तो आज तू सारे दोष पंचायत में बता दे। हाँ? और फैसला पंचायत का बता दूंगी, मैंने कौन सा दर्द है। अच्छा, सुन, कह दे। तो सुन ले, तने समझाऊं भी हूं। और के न्यूतन ने समझाऊं मैं, तो सुन बात कह दे। अरे तू क्यों रुक्मण जलती है यारी का फर्ज निभाऊं मैं, तू क्यों रुक्मण जलती है यारी का फर्ज निभाऊं मैं। रचाया गोपियों संग रास रचाया, करी बेचारी तंग तने गोपियों संग रास रचाया, करी
गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन सुनने रुकमन और प्रेमी दोस्तों, अगर कोई मेरी बात में जान हो तो तालियों से बताना आपके गलत कौन सा कह रहा है। अपनी जगह ये भी सही है और हो सकता है अपनी जगह मैं भी सही हूँ। कहती है कि गोपियों संग तुम्हें रास नहीं रचाना चाहिए था। जब गोपियों के संग रास रचाया मथुरा, जब गोकुल और वृंदावन में रहा, उस समय 8 साल की उम्र थी और 8 साल की उम्र के बाद में तो मथुरा में चलाया था हमेशा के लिए, वापिस रास रचाने के लिए नहीं गया। तो जितना भी रास रचाया गया 8 साल से उम्र से छोटे ही छोटे ने रचा लिया, और 8 साल से जो छोटा बालक है क्या उस पर कोई दोष लग सकता है? प्रेमी दोस्तों ताली बजा के बताओ, लग सकता नहीं लग सकता? कहते बात, मैंने गोपियों संग रास रचाया करी बेचारी तंग तने, गोपियों संग रास रचाया करी बेचारी तंग तने। 8 साल की थी उम्र मेरी, ना करी मर्यादा भंग मने। 8 साल की थी उम्र मेरी, ना करी मर्यादा भंग मने। और मटकी फोड़ी लगते ठाए, मटकी फोड़ी लगते रखती नंग धड़ंग तने, मटकी फोड़ी लगते ठाए रखती नंग धड़ंग तने। दूसरा दोष निकाल दिया कि तुमने एक दिन जमुना में नहारी थी, गोपियां नहारी थी जमुना में, और उनके कपड़े उठा करके कदम पे टांग दिए थे, वो तुमने गलत काम करा। और कदम पे टांग के लगते उनके लुक के बैठ गया बेचारी, ना जलते ऊपर आन की छोटी और ना जल में रण में, कब तक रहती जल में? आखिर कपड़े तो पहनने ही थे। तो वो उसके बारे में सफाई सुन ले। हाँ सुना प्रेमी दोस्तों, जल का देवता जो होता है नहीं, वरुण देवता, वरुण देवता वो इस बात से नाराज रहता है कि कोई उसमें नंगा ना होए, और सारी गोपिकाएं नंगी नहारी थी, और खास तौर से जो वरुण की पत्नी है वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आती है अगर उसके जल में कोई नंगा ना होए। और गोपाले वो गौ चराने वाले भी तो गोपाले भी तो नंगे ना होने, ना ना ये तो लंगोटी पहरे रखे हैं। तो इसलिए उस दिन ऐसा सबक सिखा दिया गोपिकाओं को कि आगे आने वाले भविष्य में कोई भी औरत किसी भी नदी में नंगी नहीं नहाने के, ये सबक सिखाया उस दिन। मटकी फोड़ी लगते खाए रखती नंग धड़ंग तने, मटकी फोड़ी लगते खाए रखती नंग धड़ंग तने। मेरे मन में पाप नहीं नहाने का सिखाया था ढंग मने, मेरे मन में पाप नहीं नहाने का सिखाया ढंग मने। जो कि बेचारी कुबड़ी थी, उसका मैं कुब ठीक कर दिया और सुंदर रूप दे दिया, और रूप देने के बाद में वो कहने लगी मैं तो आपको, मैंने अपने जाल में नहीं फंसाया मीठी मीठी बात करके, ना, ना, वो कहने लगी कि मैं तो आपको पति मानूंगी। मान ले भाई, ओ मान ले भाई, देखा यानी कि किसी के साथ में भी अगर प्रीत करे तो मन और तन पावन पवित्र रहना चाहिए, गंगा जल की तरह से निर्मल। तने कुबजाई मिली थी प्रीत करने की खातर, तने को याद भी नहीं मिला। अगर अपनी जोट का अगर कोई आदमी या औरत किसी पेड़ से भी सच्ची प्रीत करे, किसी भैंस से भी करे, अब तुम उपदेश सुन लियो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मन और तन निर्मल होने चाहिए, और उसी तरह से मैं कुबजा के संग प्रीत करी थी। कहते बात, तने उस कुबजा संग प्रीत करी, तने उस कुबजा संग पावन करके प्रेम की गंग बहाऊं मैं, तन मन अपना पावन करके प्रेम की गंग बहाऊं मैं। या का पाछा सोच के चलिए न्यू तन्ने समझाऊं मैं, तू क्यों रुक मन जल्दी है यारी का फर्ज निभाऊं।
तने जरा सिंध पे, तने जरा सिंध पे मथुरा के निर्दोष घने मरवाई अकना, जरा सिंध पे मथुरा के निर्दोष घने मरवाई अकना। प्रेमी दोस्तों ध्यान से सुनने की बात है, तने जरा सिंध पे मथुरा के निर्दोष घने मरवाई अकना। जिस समय भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस का जो ससुर था जरासिंह उसने हमले कर दिए और हमले करने पर उसने बहुत से निर्दोष लोग मारे। जब किसी अत्याचारी के अत्याचार से मुक्ति पानी हो तो उसमें बलिदान और कुर्बानी देनी पड़ती है। भारत देश आजाद हुआ कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, निर्दोष लोगों को। इसलिए उस अत्याचारी के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया मैं मथुरा को। अच्छा। उस कंस के तो कुछ लोगों को तो अपनी कुर्बानी देनी ही थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने देशभक्ति के लिए ऐसा तो करना ही। ऐसा कर, सुन, तू तो कोई इलेक्शन वलेक्शन सा लड़ ले, तने भाषण ही घने देने आवे हैं, बात तो कहीं खावे सुन ले पर। कंस मार मथुरा वालों के सब दुख दर्द मिटाए अकना, कंस मार मथुरा वालों के सब दुख दर्द मिटाए अकना। छोड़ जंग तू डर के भाजा, छोड़ जंग तू डर के भाजा, मर्द के हाथ दिखाए क्यों ना, छोड़ जंग तू डर के भाजा, मर्द के हाथ दिखाए क्यों ना। कृष्ण जी का एक नाम आपने सुना होगा, रणछोड़ है। हाँ। रणछोड़ क्यों पड़ा उनका नाम, क्योंकि एक राजा मुचू मेहरबानी कर ले थोड़ी सी इसे सही चला ले। एक राजा मुचुकंद था, उसने देवताओं के लिए बहुत वर्षों तक संघर्ष किया और जब देवता जीत भी गए तो वो कहने लगा मैं नींद से थक चुका हूं, मैं सोना चाहता हूं। तो देवता कहने लगे हम आपको स्वर्ग में जाने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ सोने का आशीर्वाद जरूर दे देंगे, आप एक गुफा में सो जाओ, अगर कोई आदमी आपको जगाएगा तो तुरंत भस्म हो जाएगा। जरासिंध ने कालयमन नाम का दैत्य भेजा कृष्ण जी को मारने के लिए, तो उस दैत्य को वो तो पीछे पीछे है और कृष्ण जी आगे आगे भग लिया। कृष्ण जी को उस मुचुकंद राजा को आशीर्वाद देना था स्वर्ग का और उसे अपने दर्शन भी देने थे, इसलिए कालयमन को ले गया गुफा में, अपने आप तो बैठ गया गुफा में छिप गए। और काल यमन ने ये सोचा कि यही कृष्ण जी सो रहा है, जैसे चादर उघाड़ी तो, क्योंकि देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई भी आपको जगा देगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा आपके आंखों की अग्नि से, तो वही काल यमन भस्म हो गया था। तो काल यमन तो मरवाया और फिर मुचुकंद को दर्शन दिए, इसलिए मुझे कहते हैं कि रणछोड़ है। छोड़ जंग तू डर के भाजा, छोड़ जंग तू डर के भाजा, मर्द के हाथ दिखाई क्यों ना, छोड़ जंग तू डर के भाजा, मर्द के हाथ दिखाई क्यों ना। और स्वर्ग धाम सी सुंदर नगरी, स्वर्ग धाम सी सुंदर नगरी, द्वार का धाम बसाए अपना, स्वर्ग धाम सी सुंदर नगरी, द्वार का धाम बसाए क्यों ना। और किसी को कण दे किसी को मण दे, किसी को कण दे किसी को मण दे, पार तेरा ना पाऊं मैं। वैसे ऐसा तो है तू छलिया, इधर सुन ले मेरी, कह दे। वैसे तो हर आदमी के कर्मों का खाता है और उसके कर्म के अनुसार ही देता हूँ मैं। अच्छा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा भगत अगर कोई जिद करके बैठ जा कि मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, फिर मेरे पे मना नहीं होती, वहां तो मैं भी बहक जाता हूँ। दोस्तों जोरदार एक बार ताली से स्वागत करते, ये स्वभाव है भगवान। अरे देखिए हम रात दिन तेरे पैर दबा में, हमसे बगैर बड़ा भगत कौन है, बताऊंगा कौन है। अरे किसी को कण दे किसी को मण दे, पार तेरा ना पाऊं मैं। वैसे तो सबका खाता है, वैसे तो सबका खाता, पर भगत से बहक भी जाऊं वैसे तो सबका।
कह दे। तन के रो कुल का अरे तन के रो कुल का अरे तन के रो कुल का नाश कराया आपस में भिड़वा के रे। तन के रो कुल का नाश कराया आपस में भिड़वा के। प्रेमी दोस्तों, कौरव और पांडव इन दोनों को मिलाकर कैरो ही कहा जाता है। तू कहती है उस कुल का मैं नाश करवा दिया। नाश करवा दिया तन्ने कैरो और पांडव दोनों भिड़ा दिए। मैं तो बहुत समझाए और दुर्योधन को ज्यादा समझाया। अच्छा, कि ये तेरे भाई हैं। उन्होंने पांच गांव मांगे थे, पांच गांव, एक पानीपत, एक सोनीपत और एक मारीपति, इस तरह के पांच गांव। सारे पत पत ले लिए। हाँ, लेकिन दुर्योधन ने ये कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं तो उनको बहुत बचाया उनका युद्ध, लेकिन नहीं टला मेरे से। और फिर इस महाभारत के युद्ध में मैं एक ऐसा काम कर चुका हूँ, अगर मैं उस काम को ना करता तो भारत में आगे आने वाली पीढ़ियां उनके माथे पे ऐसा कलंक लग जाता, वे कभी उस काले टिक्के को धो नहीं पाती। ऐसा काम भी मैं महाभारत में करा है। अच्छा, वो बता दूं क्या है? अब के बाद उस राधा को तड़फाया था मोह के बीच फंसा के रे। उस राधा को तड़फाया था मोह के बीच फंसा के। रुक्मण, वो राधा मेरे मोह में तड़फी बहुत तड़फी। अरे जिंदगी भर के लिए आंसू हमेशा चला गया, छोड़ करके चलाया बिचारी को। लेकिन राधा को मैं इतना बड़ा नाम दिया है के? मेरा नाम पूरा जब होगा जब मेरे नाम से पहले राधा लग जाएगा। अच्छा, राधा कृष्ण जब कहा जाएगा जब मेरा नाम पूरा होगा। और दूसरी बात सुन ले, अगर कोई मेरे नाम को पुकारेगा तो जब मेरा नाम पूरा हो जाएगा मैं जब ही जाऊंगा। और राधा का नाम अगर किसी ने पुकार लिया तो रा कहते ही मैं उसके भगत के पास में चला जाऊंगा। ऐसा नाम दे। उस राधा को तड़पाया तने उस राधा को तड़पाया था मोह के बीच फंसा के रे। उस राधा को तड़पाया था मोह के बीच फंसा के। मेरे से पहले पूजेगी राधा जग में शीश झुका के। मेरे से पहले पूजेगी राधा जग में शीश झुका के। मेरे से पहले पूजेगी राधा जग में सी झुका के। और कभी सारथी कभी गढ़वाला है, कभी सारथी कभी गढ़वाला रूप देख शर्माऊं मैं। सारथी तो मैं बना अर्जुन का और गढ़वाला मैं बना नरसिंह। हाँ, कदे तो गढ़वाला बन जा कदे सारथी बन जा। जन्म का बहरूपिया है, जन्म का बहरूपिया। बहरूपिया नहीं, नहीं सांग भरे है। ये मुझे रूप क्यों धरने पड़ते हैं रुक्मण? क्यों धरने पड़े हैं बहरूपिया है? जब मेरा भगत संकट में आ जा उसकी मुझे मदद करनी पड़ती है। और अब का जवाब सुन लिए प्रेमी दोस्तों। भीड़ पड़े भक्तों पे, जब जब भीड़ पड़े भक्तों पे थोड़ा थोड़ा जाऊं मैं। अच्छा, जब भीड़ पड़े भक्तों पे थोड़ा थोड़ा जाऊं मैं।
की गांव जाट दोंगड़ा, बड़ा प्यारा गांव है, मैं कभी कभी नहीं भूल सकता, अच्छा गांव है। जाट दोंगड़ा वाले 100 रुपए दे रहे हैं और आपके लिए सूचना है कि आने वाली 12 तारीख यानी 12 अगस्त तीज से एक दिन पहले रात को नांगड़ सिरोही की कमेटी आई है, उन्होंने हमारी यही पार्टी बुक करी है। आपको अगर आनंद आ रहा हो तो नांगड़ सिरोही में 12 तारीख की रात को भी जरूर आना, जरूर आना। बोलिए काले टोटा महाराज की जय। शर्म ना आई तन शर्म ना आई, अरे तन शर्म ना आई मोर ध्वज के बन के गया भिखारी रे। तन शर्म ना आई मोर ध्वज के बन के गया भिखारी। रुक्मन मेरे शिष्य अर्जुन को ये बहम हो गया था मोर ध्वज के दरवाजे पे जाके अलग जगा दी बैरी ने, ये बहम हो गया था क्या कि मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। अच्छा, उसका तो मैं घमंड चूर करा, और मेरा एक बहुत बढ़िया भगत था मोरध्वज, उसका मैं मान इतना बढ़ा दिया कि जब तक सूरज धरती चांद रहेंगे ना, उसका बेटा तो चिरवा दिया, ऐसी परीक्षा ली उसके घर के दरवाजे पे जाके अलग जगा दी इस बेरी ने। बिल्कुल। और यूं कहने लगा एक मरियल सा ले लिया शेर। हाँ। और यूं कहवे के मेरे शेर ने जिम्मा दियो। बिल्कुल। राजा कहने लगा कि भाई मेरे पास किस बात की कमी है, भंडारे खोल दूंगा, खाना वाना खिला दूंगा। यूं कहने लगा तेरे लड़के का मांस खावेगा तेरे लड़के का मांस मेरा सिर। परीक्षा तो ऐसी होती, इतनी कैड़ी परीक्षा ले ली। देखिए ऐसा है रुक्मन, वह परीक्षा में बहुत सख्त ली थी। हाँ। ऐसी परीक्षा में तू कह का गुरु जी आगे मत ना लिए, ऐसी परीक्षा नहीं लेने का। शर्म न आई हरे रे रे तन शर्म न आई मोर ध्वज के बढ़ के गया भिखारी। शर्म न आई मोर ध्वज के बढ़ के गया भिखारी। मैं मान घटा दू घमंडी का करूं भगत की इज्जत भारी, मैं मान घटा दू घमंडी का करूं भगत की इज्जत भारी। कदे सूर्य वंश कदे चंद्र वंश कदे सूर्य वंश कदे चंद्र वंश ना जात जमात तुम्हारी, कदे सूर्य वंश ना कदे चंद्र वंश ना जात जमात तुम्हारी। कोई तो समझता है कि जब मैं राम के रूप में धरती पे आया के तो क्षत्रिय है ये राजपूत है, और जब कृष्ण के रूप में आया जब लोग समझते हैं कि ये यादव है। लेकिन कदे मोड़ बांध ले। हाँ। सिर पे हाँ, हर कदे चांद लगा ले। लेकिन मेरी जो असली जाति है ना रुक्मन, कौन सी जाति वो तो है? कोई और ही है। तीसरी ना यादव हूँ मैं और ना मैं राजपूत हूँ, बता दू कौन हूँ। सूर्य वंश कदे चंद्र वंश ना जात कदे चंद्र वंश जात जमात तुम्हारी रे। सूर्य वंश कदे चंद्र वंश ना जात जमात तुम्हारी। हम प्रेम नगर के वासी हैं, हमारी तरफ को भी देख लिए कर भैया, मेरी जात भी सुन ले, इसी में ही लगा रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं होता, हमारी तरफ को एक बार देख लिए कर सारा कुछ हो जाएगा इसमें। सुन ले बात, हम प्रेम नगर के वासी हैं ये भगत है जात हमारी, हम प्रेम नगर के वासी हैं ये भगत है जात हमारी। जात पात तो सुन ली। हेलो, बिल्कुल जात पात तो सुन ली। हाँ। अरे इसकी मीठी सी आवाज करते, पतली सी करते थोड़ी सी, नहीं ये तो यो इसमें पतली है, इसकी भी पतली कर आवाज, इतनी कमजोरी आज वो स्वामी जी मेल भी मेरा ले तो मेल तू ले, अपने ले पकड़ अच्छा आजा भाई सुदामा, यहाँ आजा, फैसला हो रहा। हाँ बुला ले सुदामा ने भी। बिल्कुल, आज फैसला कर दे या पंचायत में। अच्छा क्या, क्या तेरा यार ज्यादा है या ब्याही नार ज्यादा है, किसका दर्जा ऊंचा है वो बता दे। हाँ। एक ही रहेगा, एक
है कि कृष्ण भाई हाँ क्यों मेरे पास है अपने घर में बिगाड़े है ना ना इसी सूत्री बोडिया ना बिगड़ने की बात नहीं है यह यूं कह रही है कि यार ज्यादा है यार का दर्जा बड़ा है या ब्याही नार का हाँ। भाई आज मन ने भी पता चल जाएगा तजे भी पता चल जाएगा न्यूता तू छलिया है कुछ भी कर सके है कुछ भी अपने, कर सके है अपने, अपने अपने मन को टटोल लो दोनों टटोल लिया हमने तो ए बापी ईसाई है यो जन्म देते ही माँ को छोड़ दिया यशोदा ने पढ़ा यशोदा को छोड़ दिया इतनी सारी गोपी का पटाई उनने भी छोड़ दी उनने भी छोड़ दी यो ना किसे का भी किसे का भी अब सुन ले बात तू भी छोड़ इसने यार हम मल्ला के लेना राम राम सपना पराया माल अपना अब सुन लो बात यार का दर्जा बड़ा है या ब्याही नार का दर्जा बड़ा है बिल्कुल अपने अपने मन को टटोल लो जो मेरा जितना बड़ा भक्त है वो मेरे लिए उतना ही बड़ा है अब तुम देख लो तुझे मेरे में सौ खोट नजर आवे उसे एक भी ना और के ब्याही नार और यार में ज्यादा ऊंचा ऊंचा रिकॉर्ड बुझना चाहूं मैं तो सुन रुकमन कह करम पाल है भगत बड़ा ले रुकमन साफ बता